श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरण रघुवर विमल यस जो दायक फलचार। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, हमारे सुनने वाले श्रोता प्रेमियों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, हम ये महावीरा कैसेट के द्वारा अहिल्या उद्धार की पावन गाथा आप लोगों की विशेष मांग पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये एक साथ हमारे 5 प्रोग्राम महावीरा कैसेट या MB सीरीज पलिया कला के द्वारा आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। और ध्यान रखें, अब हमारे जितने भी प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचेंगे वो महावीरा कैसेट या MB सीरीज के द्वारा ही आप लोगों तक पहुंचेंगे। महावीरा कैसेट के द्वारा ये 5 प्रोग्राम लवकुश संग्राम, अहिल्या उद्धार, दानी हरिश्चंद्र, भरत मिलाप एवं नवीन भजन संग्रह, ये 5ों प्रोग्राम महावीरा कैसेट के द्वारा आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। और ये प्रोग्राम आपको कैसे लगे इसके लिए आप हमसे पत्र व्यवहार अवश्य करेंगे। तो और मैं चलते चलते आपको एक सूचना दे दूं कि अब थोड़े ही दिनों के पश्चात महावीरा कैसेट या MB सीरीज के द्वारा हमारा महाभारत का सीरियल शुरू हो रहा है, यानी बहुत जल्द ही महावीरा कैसेट के द्वारा आप लोगों तक महाभारत का सीरियल हमारे द्वारा पहुंचने जा रहा है, जिसका सबसे पहला प्रोग्राम होगा पांडव जन्म। तो आज हम अहिल्या उद्धार की पावन गाथा आपके समक्ष रखें, उससे पहले देखिए कबीरदास जी के भाव एक भजन में क्या हैं, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप हाथ में माला लेकर ही भजन करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप जोर जोर से शोर मचाकर ही भगवान का भजन करें, आप अपना कर्म करते रहें, आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते रहें और कुछ कार्य ऐसे करते रहें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस आप ये समझ लें कि आप ईश्वर का भजन ही कर रहे हैं। तो क्या लिखते हैं कबीरदास जी, जरा आप देखें महावीरा कैसेट के द्वारा। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन।
आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन। आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन। आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन। आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन। आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। की तरंग मार ले बस हो गया भजन। और आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। 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 आए हो तुम कहां से, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और मेरे प्यारे श्रोता भाइयों, क्या कहते हैं कबीरदास जी, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। और दिल बदी का मार लो बस हो गया भजन। और दिल बदी का मार लो बस हो गया भजन। और दिल बदी का मार लो बस हो गया भजन। और दिल बदी का मार लो बस हो गया भजन। और दिल बदी का मार लो बस हो गया भजन। और दिल बदी का मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और भैया महावीरा कैसेट के द्वारा कबीरदास जी के भाव क्या हैं? कोई तुझे बुरा कहे तू कर उसे क्षमा। 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 वाणी का स्वर सुधार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ ये बस गुरु कबीर का। कहना है साफ साफ ये गुरु कबीर का। कहना है साफ साफ ये बस गुरु कबीर का। कहना
साफ साफ ये बस गुरु कबीर का कहना है, साफ साफ भैया अब नवीन का कहना है, साफ साफ भैया अब नवीन का, अब नवीन का हो भैया अब नवीन का, अब नवीन का हो भैया अब नवीन का। क्या है अपने को तू पहचान ले बस हो गया भजन, अपने को तू पहचान ले बस हो गया भजन, अपने को तू पहचान ले बस हो गया भजन, अपने को तू पहचान ले बस हो गया भजन, अपने को तू पहचान ले बस हो गया भजन, अपने को तू पहचान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, हो मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। हाँ तो श्रोता प्रेमियों, ये अहिल्या उद्धार की पावन गाथा हम उस समय से शुरू कर रहे हैं जिस समय देखिए अयोध्या के अंदर महाराज विश्वामित्र को जब राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते हैं और विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के पास में जाते हैं और याचना करते हैं कि आप राम लक्ष्मण को हमें दे दें ताकि हम अपना यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर के दंडक कारण्य वन में आ जाते हैं जहां की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रधान सेनापति तारिका है। तो दंडक कारण्य वन में जिस समय विश्वामित्र मुनि लेकर के आ गए भगवान राम को और जब सुबेड़ा होता है तब देखिए क्या होता है। विश्वामित्र मुनि अपने मन में विचार करते हैं कि प्रभु ब्रह्म राय देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्म राय देव मैं जाना, मोम मोहित पिता तजेउ भगवाना, चले जाते मुने दीन दिखाई, चले जाते मुने दीन दिखाई, सुनिताई का क्रोधी कर धाई, कहा मुनि सन रघुराई, रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहू तुम जाई, तुम
गाई प्रात कहा मुनि सने रघुराई निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई तो प्रात काल मुनिराज से बोले राजकुमार आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। जब सवेरा हुआ तो भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे हे प्रभु हे गुरुवार हे मुनिवार आप जाएं और निर्भय यज्ञ संपन्न करें। जिस समय गुरु विश्वामित्र राम के कहने से अपना यज्ञ आरंभ कर देते हैं मित्रों राक्षस लोग आ गए और उत्पात मचाने लगे। कैसे आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा शुभ अनुष्ठान में विघन रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा तुम्हें लेकर धनुष बाण बल भर में संघारा सबको मारीच नीच को उड़ा दिया मारीच नीच को उड़ा दिया योजन पार समुंदर के छल में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के विश्वामित्र यज्ञ करने लगते हैं तो राक्षसों का दलबल आकर के यज्ञ को विध्वंस करने लगा। सुबाहु आदि आए राम के हाथों मारे गए। मारी जिस समय आया तो प्रभु ने विचार किया कि भाई इसको हम मारेंगे नहीं। हमारे प्रभु के बाण में एक बड़ी विशेषता है कि जिसको उल्टा बाण मारे वो उड़ने लगे जिसको सीधा बाण मारे उसके प्राण पखेरु उड़ जाए। प्रभु विचार कर रहे हैं कि हमें मारीच को सीधा बाण नहीं मारना है हमें मारीच को उल्टा बाण मारना है क्योंकि उसे उड़ाना है। अगर ये मर गया तो आगे मेरी लीला में काम कौन आएगा इसलिए वाले प्रभु उल्टा बाण मार रहे हैं या बिना फर का बाण मार रहे हैं। बिनु फर बाण राम ते ही मारा मारीच को बिनु फर बाण राम ते ही मारा सतियो जनेगा सागर पारा पारा बिन फरमा
आज भगवान ने उल्टा बाण मारा और मरीच को उड़ा दिया लंका के अंदर। तारिका जिस समय आई तो आज विश्वामित्र मुनि क्या कहते हैं? मुनिवर बोले देखो राघव पापिन तारिका आ रही है, कारण निस कारण ही मुनियों की जान जा रही है। आगे बेटा बढ़ जाओ राम धनुआ धारण असुरार करो, बढ़कर बेटा राघव इस पापिन का संहार करो। अरे बेटा देखो सामने तारिका रही है और इसी तारिका की वजह से न जाने कितने ऋषि मुनियों की जाने दिन पर दिन जाती हैं। बेटा राम बाण को संभालो और इस पापिन का वध कर डालो। प्रभु ने एक ही बाण मारा और एक ही बाण में तारिका का वध कर डाला। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की। हाँ तो प्यारे श्रोताओं भाइयों, इधर तो देखिए तारिका का वध हो जाता है, मरीच का हरण हो जाता है, और उधर देखिए जनकपुर में महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री जानकी के लिए स्वयंवर की धनुष यज्ञ की रचना की है, और गली गली कूचे कूचे में शहर शहर में हरेक ऋषि और मुनियों के पास में ये पत्र गए हैं, ये समाचार गए हैं कि आप हमारी कन्या के धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो, आपका सम्मान है। इधर देखिए विश्वामित्र मुनि के पास भी आज संदेश आता है। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिले, यज्ञ सुनि प्रभु कुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघु कुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघु कुल नाथा, चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, आज जिस समय संदेश मिला विश्वामित्र मुनि को तो मारे प्रेम के खुद तो चले ही और साथ में राम और लक्ष्मण को भी लेकर चल दिए, चले जा रहे हैं। प्रभु की महिमा देखिए, जिस समय जनकपुरी की तरफ चल दिए हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण,
एक ऐसा स्थान चलते चलते पड़ा, एक बड़ा अजीब सा स्थान, जहां पर एक पत्थर की चट्टान दिखाई पड़ रही है, कुछ पेड़ आदि लगे हुए हैं और बड़ा बीहड़ सा उजाड़ सा लग रहा है, जहां छाया तक दिखलाई नहीं पड़ती है। मित्रों, मारुभूमि ही नजर आती है आप कोसों तक अगर निगाह दौड़ाएं। एक पाषाण की मूर्ति पड़ी हुई है जिसके चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। मुस्करा करके प्रभु जी पूछने लगे, पूछा मुँह नहीं सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का ही विशेषी। सकल कथा मुनि कही से अरे आज प्रभु राम पूछने लगे कि हे गुरुवार, ये पत्थर की चट्टान कौन है, यहाँ बड़ा बीहड़ सा क्यों लगता है, ये कौन पत्थर की शिला है, इसके आगे कोहरा है, इसका कारण क्या है। गुरुवर बोले, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, दज पत्नी है पर पत्नी है, तुम पति तो उदाहरण मोरा दो, बढ़कर बेटा राघव, आगे बढ़कर बेटा राघव, आगे बढ़कर बेटा राघव। कौन है कि गौतम नारी साप बस, और ऊपर देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अरे गौतम की नारी अहिल्या है, तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है, राम इस पर कृपा दृष्टि दिखा दो। प्रभु ने कहा, गुरुवर कौन अहिल्या, कौन गौतम, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, अरे आप मुझे विस्तार से बताएं, ये कौन गौतम की नारी है, कौन गौतम है। कहा, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, गौतम एक बहुत बड़े ऋषि हुए, और गौतम ऋषि जो थे बड़े ही नेमी थे, उनकी नारी जो अहिल्या थी वो बड़ी पतिव्रता थी। इंद्र ने विचार किया कि गौतम ऐसा ना हो अपने नियमों के द्वारा, अपनी नारी अहिल्या के द्वारा मेरा इंद्रासन छीन ले, इसलिए उन्होंने विचार किया कि इसकी पत्नी अहिल्या का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया जाए तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्या किया गौतम ऋषि के लिए, इंद्र ने एक दिन चंद्रमा को बुलाया और उससे कहा कि तुम मुर्गा बनकर जाओ। गौतम ऋषि सवेरे 4 बजे नहाने जाते हैं, तुम रात के 2 ही बजे बोलने लगो।
गौतम समझेंगे सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान करने जाएंगे और मैं नकली गौतम बनकर जाऊंगा, उनकी नारी अहिल्या का सत्य डिगाऊंगा। बेटा ये वही गौतम की नारी अहिल्या की बात कर रहा हूं मैं। ऋषि का नियम था बेटा, ऋषि का नियम था नहाने का गंगा, ऋषि का नियम था नहाने का गंगा, और नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, सदा का नियम था नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। रही नारी उनकी अहिल्या अकेली, रही नारी उनकी अहिल्या अकेली, हुई आँख पूनम सवेरे सवेरे। चंदा से बन जाओ मुर्गा, द्वारे पे जाकर आवाज लगाओ रात के 2 बजे। चंदा से बन जाओ मुर्गा, आवाज लगाओ। तुम्हारी आवाज को जब सुनेंगे गौतम ऋषि तो समझेंगे सवेरा हो गया। उठेंगे ऋषि लेके आसन कमंडल, उठेंगे ऋषि लेके आसन कमंडल, चलेंगे नहाने सवेरे सवेरे। आसन कमंडल ऋषि का नियम था नहाने का गंगा, चले घर से गौतम सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था नहाते थे गंगा। अरे चंद्रमा जाता है अरे भाई, जिसने मुर्गा बनकर आवाज लगाता है तो गौतम समझते हैं कि सवेरा हो गया। अरे गौतम जिस समय लेकर के भैया कमंडल और धोती पहुंचते हैं गंगा के अंदर आधी रात को नहाने लगे, गंगा आवाज लगाती है गौतम, अरे आज मुझको आधी रात में जगाने के लिए क्यों आ गया। हाँ,
तुको क्यों जगाने को आए जगाने को आए जाओ ऋषि देखो अपने भवन को जाओ ऋषि देखो अपने भवन को किया इंद्र आधोरम सवेरे सवेरे नियम था नहाने का गंगा चले घर से गौतम सवेरे सवेरे जिस समय गंगा में भेज दिया और गौतम लौट करके आए घर में ऋषि लौट कर अपने घर को है आए दिया भेद गंगा ने गौतम ऋषि को ऋषि लौट कर अपने घर को है आए भेद गंगा ने गौतम ऋषि को गौतम ऋषि भरे अपने आए और क्या कहते हैं बोले कि मैंने देखा आँखों से अपनी ओ मैं बोले कि मैंने देखा आँखों से तुमको बुराई का आलम सवेरे सवेरे श्राप दे देते हैं किसको सबसे पहले श्राप देते हैं इंद्र को कि इंद्र तूने मेरे साथ में छल किया है जा मैं तुझको श्राप देता हूं और उसके बाद इंद्र के बाद चंद्रमा को भी श्राप देते हैं देखिए भैया क्या श्राप देते हैं तो दिया श्राप गौतम ने अहिल्या को उस दम कि बनी रहो पत्थर शिला तुम बन में और दिया साप गौतम ने इंद्र को फौरन हजारों भगु हो तेरे एक तन में और गौतम ने धोती से चंद्रमा को मारा 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 हुई रोशनी कम सवेरे सवेरे जब इससे पूछा गया कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा तब
अंत में गौतम ने कहा, जाओ जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जनकपुर जाएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। बेटा ये वही गौतम की नारी अहिल्या है और आज तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है। गौतम नारी साप बस, अरे उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अरे बेटा ये मुक्ति चाहती है, ये तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है, इसका उद्धार करो बेटा, इसका कल्याण करो, ये श्राप की मारी है। फिर कहा कभी गौ तम तीर्थि, अब सिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है ये आकांक्षा एक तुम्हारी है, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज कर चेतन चूरन दो। या पतिता है पावन कर दो, या पतिता है पावन कर दो, जीवन मृत को सजीवन दो। बेटा राम आगे बढ़ो और इस बिचारी श्राप से मारी हुई अहिल्या का उद्धार करो, ये चरणों की धूल चाहती है। बेटा राम आगे बढ़ करके अपने चरणों की धूल इसको दो और इसका कल्याण करो, इसकी मुक्ति करो। हुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, भगवान राम आज क्या करते हैं कि छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल सिया पति राम चंद्र की जय। आज जैसे भगवान ने चरणों की धूल लगाई, भगवान के चरण लगते ही आज वो पत्थर की नारी सुंदर देह धारण करके आज प्रभु के सामने आती है। पर सत पद पावन शोक न सावन, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। सावन प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करी जोर रही। सरीरा मुख
मुख नहीं आवे बचन सही। अतिशय बड़ भागी अति अनुरागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जल धार बही। मुख नहीं आवे बचन सही, मुख नहीं आवे बचन सही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जल धार बही। चंद्र भगवान की, बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की। तो हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चीतावर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आज अहिल्या नारी का उद्धार करते हुए प्रभु राम मित्रों वहां से आगे की तरफ बढ़ते हुए चल देते हैं अपने गुरु जी के साथ। आज चले जा रहे हैं सीधे, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, पावन गंगा गए जहां जगी पावन गंगा। मुनि सुर सर उत्पत्ति रघुराई, मुनि सुर सर उत्पत्ति रघुराई, कौशिक सन पूछा श्रीनाई। अहिल्या नारी का उद्धार करते हुए प्रभु अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में बंधुओं चले जा रहे हैं कहां, जनकपुर की तरफ। और बीच में जब गंगा नदी पड़ती है तो आज उसके बारे में प्रभु राम ने पूछा अपने गुरु विश्वामित्र से, बताने लगे बेटा ये तुम्हारे पूर्वजों में भागीरथ इस गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं, गंगा की महिमा सब लोग गाने लगे बड़े प्रेम से। क्या गाते हैं गंगा की महिमा? हो गंगे निर्मल तेरी, हो गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी, निर्मल तेरी धारा तारण तरणी, हो गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी।
तेरी धारा तारण करनी। बेटा राम ब्रह्म कमंडल विष्णु चरण से निकल, विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आए, विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आए। हो विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आए, विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आए। शंकर जी की जटा में आके लहर लहर लहराई, शंकर जी की जटा में आके लहर लहर लहराई। आगे हुई गई तीने धारा तारण तारणी, आगे हुई गई तीनों गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तारणी। गंगे निर्मल तेरी तेरी धारा तारण तारणी, गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तारणी, गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तारणी। और क्या होता है बंधुओं, आगे आगे चले भागीरथ पीछे गंगा माई, आगे आगे चले भागीरथ पीछे गंगा माई। हो 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 आगे आगे चले भागीरथ पीछे गंगा माई, आगे आगे चले भागीरथ पीछे गंगा माई। राजा सगर के सौ पुत्रों को स्वर्ग दिया पहुँचाई, राजा सगर के सौ पुत्रों को स्वर्ग दिया पहुँचाई। कर दियो भगतन को, कर दियो भगतन को, कर दियो भगतन को निस्तारा तारण तारणी, भगतन को निस्तारा तारण तारणी। तारण तारणी हो मैया संकट हरणी, तारण तारणी हो मैया संकट हरणी। हो गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तारणी, लहर लहर लहराई। हरिद्वार हर की तेरी पर लहर लहर लहराई, हो मैया लहर लहर लहराई, हो मैया लहर लहर लहराई। हरिद्वार हर की पेड़ी पर लहर लहर लहराई,
द्वारे द्वार हर की तेरी पर लहर लहर लहराई। भगतन को कर दिया है मुक्ति, भगतन को दे दिया है मुक्ति, मैया सकल न्याय कर दियो भगतन को, कर दियो भगतन को निस्तारा तारण तारण। मिश्रा को सहारा तारण तारणी, वो दे दिया मिश्रा को सहारा, दे दिया मिश्रा को सहारा। कर दियो भगतन को निस्तारा तारण करनी, गंगे निर्मल फेरी तारण करनी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से गंगे मैया की पावन गाथा को सुनकर उसमें स्नान करके अपने गुरुजी के साथ राम और लक्ष्मण बंधुओं जनकपुर की तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वो समय आ गया। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुंचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुंचे। तब बढ़ कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहां जहां बढ़ जाता था, मन जहां जहां बढ़ जाता था, हर्षित हो वहीं निभाता था। सत्कार वहाँ अनुराक्ति वहाँ पर मस्ती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी, कंगाली जहाँ न बसती थी, ऐसी विदेह की बसती थी। से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहां, किस भांति वहां का हो वर्णन, किस भांति वहां का हो वर्णन, प्रकृति शोभा की आन जहां। राज ने जब सुना कि आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। जिस समय महाराज जनक ने सुना कि मुनिवर विश्वामित्र के साथ में दो बालक आए हुए हैं, तो आज प्रेम के साथ में वो पुनीत महाराज जिनके यहाँ पर अन्न धन वैभव सब कुछ मौजूद है, वो आज मुनि के साथ में भैया
चल देते हैं कहां अगवानी करने के लिए। महाराज जनक ला करके विश्वामित्र को और सुंदर स्थान ठहरने के लिए देते हैं। भाइयों ये सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। कुछ भ्रमण हो सर भी कुछ हो जाए, आज्ञा ले गुरु देव से चले लखन रघुराय। महाराज जनक ने गुरु विश्वामित्र को सुंदर स्थान दिया। उसके पश्चात जब वहां पर स्थान दे दिया तो भगवान राम की इच्छा थी कि कुछ हम भ्रमण कर लें, जनकपुर आए हैं तो यहाँ का नजारा देख लें, यहाँ की गलियों को देख लें, यहाँ के चौबारों को देख लें। गुरु का आदेश लेकर के भगवान राम अपने छोटे भ्रात लक्ष्मण के साथ में मेरे श्रोता प्रेमियों जनकपुरी घूमने के लिए चल देते हैं। तो नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहुओर। देखिए कितना आनंद आ गया जनकपुरी के अंदर जिस समय सुना जनकपुर के लोगों ने कि भगवान राम और लक्ष्मण आए हैं जनकपुरी को देखने के लिए। भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी गलियों कूचों के द्वारों में, सज गई दुकानें सभी तरफ ही चहल पहल बाजारों में, सत्कार कहीं पानों का था मिष्ठानों का सम्मान कहीं, हर देता था कोई इत्र हार होता था स्वागत जान कहीं, अब लाएं अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं, जनकपुरी के अंदर तो कोई पान का स्वागत कर रहा है, कोई इत्र का स्वागत कर रहा है, नाना प्रकार से छज्जों और झरोखों में अबलाएं जो हैं वो आज भैया भगवान राम को देखती हैं और आपस में नारियां वहां की बातें करती हैं। बहना अरे देखो तो सही है कितने सुंदर राजकुमार हैं। कहौ सखी को असे तनु धारी जो न मोह असि रूप निहारी,
एक बूढ़ी सखी बोली, बहना तुम्हें नहीं मालूम? अरे ये कौन है? ये दो नृप दस रथ के धोता, ये दो नृप दस रथ के धोता, बाल मराल इनके कल जोता। सही इन दोनों के रूप, गोट काम छव जीत कर प्रकटे युगल अनूप। अरे एक सखी कहने लगी, बहना मेरे दिल में एक बात आ रही है, कहो तो कह दूं। कहा, बोलो बहना क्या बात है? अरे कहा, इन राजकुमार को देख रही हो, राम की तरफ इशारा करती है, इनको देखकर मेरा हृदय कहता है कि इनकी और अपनी सीता की जोड़ी कितनी सुंदर रहेगी, अगर कहीं ये धनुष को तोड़ डालें। अरे कहीं अगर महाराज जनक की ये प्रतिज्ञा पूरी कर दें तो कितना अच्छा होगा, किसी से भी नहीं पूछना पड़ेगा कि राम और सीता की जोड़ी कैसी रहेगी। लेकिन एक सखी बोली, बहना अरे कहां ये सुकुमार बालक और कहां वो इतना विशाल धनुष, ये कैसे हो सकता है छोटे छोटे बालक ये धनुष को तोड़ें। तो एक सखी कहने लगी, बहना ऐसी बात मत करो, अरे इनको छोटा मत समझो, ये जानते ही हो ये बड़े ही वीर बालक हैं। मुनि कऊ सिक माख के रखवारे, जिन रण आजीत निशाचर मारे। निशाचर मारे। और बहना वो कहा शंकर चाप कठोरा, वो कहा शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। इस प्रकार से भैया नारियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं और इधर प्रभु घूमते घूमते शाम को जो है अपने गुरुजी के पास में आ गए। अब देखिए शाम का समय कितना सुंदर है, शाम का सुंदर दृश्य आप देखिए। शाम को जिस समय आज प्रभु राम आ जाते हैं अपने गुरु की सेवा के लिए, लेकिन बंधुओं यहां पर मैं आपको थोड़ा सा भगवान राम का और गुरु का क्या संबंध था इसका दर्शन करा दूं कि पहले के जमाने में शिष्य लोग गुरुओं का कितना सम्मान करते थे, गुरुओं की कितनी इज्जत हुआ करती थी और भगवान राम गुरुओं के प्रति क्या भाव रख रहे हैं। शाम को आए और गुरु जी के चरणों को भगवान राम दबाने लगे, भगवान राम जो हैं वो गुरु जी के चरणों का स्पर्श करने लगे। मित्रों जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी होता है। गुरु का मतलब होता है
जो हृदय के अंधकार को निकाल करके और अपने शिष्य के हृदय में प्रकाश भर दे। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने बंधुओं कोई ना कोई जो है वो गुरु जरूर किया। हमारा इतिहास साक्षी है, गुरु जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कुल गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। भगवान के कुल गुरु कौन थे? भगवान राम के कुल गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ महाराज। भगवान राम के शिक्षा गुरु कौन थे? वाल्मीकि जी। भगवान राम के दीक्षा गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी। अरे जितने भी महान पुरुष हुए उन्होंने अपना दीक्षा गुरु जरूर बनाया। जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए, वीर वैरागी के दीक्षा गुरु कौन थे? गोविंद सिंह जी। शिवाजी के दीक्षा गुरु कौन थे? राम स्वरूप दास। विवेकानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अरे इंदिरा जी के दीक्षा गुरु कौन थे? श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दीक्षा गुरु कौन थे? श्री गांधी जी। और गांधी जी के दीक्षा गुरु कौन थे? गोखले जी। गोखले जी के दीक्षा गुरु कौन थे? राणा ने जी। उनके गुरु कौन थे दीक्षा गुरु? श्री दयानंद जी। और दयानंद जी के दीक्षा गुरु कौन थे? गुरु विश्वानंद जी। और विश्वानंद जी के भी दीक्षा गुरु कौन थे? पूर्णानंद जी। यानी इतिहास साक्षी है कि जितने भी महान भाव हुए उनका कोई ना कोई दीक्षा गुरु अवश्य हुआ। और जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के सज्जनों कल्याण नहीं है। आज भगवान राम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, अपने गुरु की सेवा के बहाने उनके चरणों को दाब रहे हैं। धीरे धीरे जब भगवान राम अपने गुरु की सेवा कर चुकते हैं या अपने गुरु की सेवा कर लेते हैं, बार बार कहते हैं भैया जाओ सो जाओ, भैया जाओ सो जाओ, लेकिन आज बार बार भगवान राम सोते नहीं हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। गुरु के पद कमलों को प्रेम से आज दाब रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु का। और इधर देखिए, जब गुरु की सेवा हो गई भगवान राम आकर सोते हैं तो लक्ष्मण भैया आज भगवान राम के चरणों को दाबने लगे। कितना सुंदर नियम था पहले का, पुनि पुनि कहा। अरे भगवान राम राम बार बार कहते हैं बेटा लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण जाओ, अरे सो जाओ जाकर। मगर आज लक्ष्मण प्रेम से चरणों को दाबते जाते हैं, प्रभु बार बार कहते हैं। पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता, पौढ़े धरी उर पद जल जाता। प्रभु कह सो उताता और पौढ़े धर उर्पद जल जाता। पौढ़े, हमारे बहुत से तार्किक लोग तर्क करते हैं कि भाई लक्ष्मण जी पौढ़े क्यों, सोए क्यों नहीं। देखिए सज्जनों, वैसे तर्क तो बहुत हैं, मगर सवाल इस बात का है कि कैसेट के माध्यम से समय भी थोड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि हमारा कैसेट का क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र अधिकतर है, क्योंकि हमारी कैसेटें ज्यादातर हमारे भोले भाले किसान भाइयों के पास ही पहुंचती हैं, जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं। तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपने शब्दों का ऐसा उच्चारण करें, अपनी कथा को ऐसा बनाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा बेचारे जो कम शिक्षित लोग हैं उसका आनंद उठा सकें। शिक्षित लोग तो कहीं भी आनंद उठा सकते हैं, स्टेज के प्रोग्राम पर उठा सकते हैं हमारे, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए ही हम अपना प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा आपको आनंद दूं कि लक्ष्मण जी पौढ़े क्यों हैं, सोए क्यों नहीं। ये तो सभी जानते हैं कि मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 12 वर्षों तक अपनी नारी का मुख ना देखा हो। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं
कि हम अभी से प्रयास करेंगे, सोएंगे नहीं। लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, सिर्फ आराम करने के लिए लेट जाते थे, और जो सोता है उसी के लिए सोने का शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो आराम करने के लिए सोता है उसको पौढ़े ही तो कहा जाएगा ना। इसीलिए पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता, पौढ़े धरी उर पद जल जाता। गई सवेरा हुआ, गुरु से पहले उठकर दोनों शिष्य सामने आ गए। जानते हैं अब गुरु जी की पूजा का समय आने वाला है, इसलिए चलो गुरु की पूजा के लिए पुष्प लाने हैं, फूल लाने हैं। मित्रों आज बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं गोस्वामी जी, समय जानी गुरु आयुष पाई, जान गुरु आयुष पाई। समय को जान करके गुरु का आशीर्वाद लेकर के दोनों भैया आज फूल चुनने के लिए चल दिए। यहां पर एक तार्किक तर्क करता है कि पूजा के हित फूल थे और भरने नहीं जहाज, फिर दोनों ही क्यों चले फूल लेने को आज। भाई पूजा के लिए दो चार फूलों की आवश्यकता थी, यहां पर राम अकेले चले जाते, कोई जहाज तो भरना नहीं था फूलों से, या अकेले राम चले जाते या अकेले लक्ष्मण चले जाते, मगर आज दोनों भैया फूल लेने के लिए क्यों जा रहे हैं। तो यहां पर अनेकानेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं, मैं कुछ मतों को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। पहला मत कि समय जानी, कौन सा समय, प्रभु राम जानते हैं आज जब हम पुष्प वाटिका में जाएंगे तो हमारी मुलाकात जानकी से जरूर होगी, और जब जानकी आएगी तो सखियां भी आएंगी, और जब सखियां आएंगी तो जहां नारियां होती हैं तो सवाल भैया अनेकों प्रकार के होते ही होते हैं, कितने भाई हो, कितना पढ़े हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, आप कहां रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, इत्यादि नाना प्रकार। तो भगवान राम विचार करते हैं जब सखियां अनेक प्रकार की होंगी तो अनेकों सवाल होंगे, और पहली मुलाकात होगी जानकी और मेरी, और मेरा एक मुख होगा, हजार सवाल होंगे, मैं उनका उत्तर कैसे दे पाऊंगा। इसलिए हार किसी को प्यारी नहीं होती। हुई है सखियां और प्रश्न अनेका, उत्तर दे युद्ध मा या बाघ मा मोरी हार हुई जाई। बाघ मा मोरी हार हुई जाई, इसलिए लेन प्रसून चले तो आई। लक्ष्मण को ले गया तो लक्ष्मण से सही, अरे मुख बनी है शेष मुखन से, अरे तब बत रही है
लक्ष्मण शेष अवतार है, समय आने पर शेष हजारों मुख बना लेगा और हजारों मुखों से उनका उत्तर देगा। तो बाग मोरी जीत हुई जाए, बाग मोरी जीत हुई जाए, लेन प्रसून चले तो भाई। पाई लेन प्रसून चले दो भाई, अरे बंधुओं, दूसरा भाव भगवान राम का क्या है कि भाई कोई काम एक व्यक्ति करे तो जरा देर में होगा, दो व्यक्ति करे जल्दी हो जाएगा। प्रभु राम विचार करते हैं, जनकपुरी की बगिया है भैया, नाना प्रकार के वहां पर फूल हैं, कोई एक दो फूल तो है नहीं, कितने फूल हैं, गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुल बांस गुलहार, दाऊदी दुपहरिया मरुआ के तकी हजारा और हार सिंगार, कलगीपन सुतिया मौल श्री करनैल कामनी सदा बहार, और मालती माधवी जवाझिली केवड़ा मोगरा पापी अनार, पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा, चांदनी कुमुद गौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा, गुल प्यारी गुल सब गुलहर, सब फूलों के नाम है भैया, गुल प्यारी गुल सब वो गुल है, गुल चीनी गुल फनूस केला सेवरा निबारी मदन मान गुल केली कुंद कमल बेला, फूल होंगे तो हम अकेले कैसे चुन पाएंगे, और अगर लक्ष्मण को ले गए तो काम बड़ा जल्दी हो जाएगा। जब तक तुरी बे फूल सलोना तब तक लखन बनई है दोना, तब तक लखन बनई है रे दोना। जब तक हम फूलों को तोड़ेंगे तब तक लक्ष्मण भैया दोना बनावेंगे। दोना आज की परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है सबई की। जब तक तुरी बे फूल सलोना तब तक लखन बनई है दोना, जब तक हम गुल मेहंदी लई हैं, जब तक हम गुल मेहंदी लई हैं लक्ष्मण तब तक चंपा लई हैं, काम झटपट हुई जाई, सबई काम झटपट हुई जाई, लेन प्रसून चले दो भाई। इसलिए समय जाने गुरु आयुष पाई,
और लेन प्रसून चले दो भाई। एक भाव मित्र और है, भगवान राम ये जानते हैं कि बचपन से आज तक लक्ष्मण का और हमारा साथ नहीं छूटा, और आप देख लीजिए कहां छूटा भैया बचपन से लेकर आज तक। संगई जन्मे संगई आए, संगई जन्मे संगई आए, संगई संग मात हवि खाए। संगई संग मा लाल दिखावे, संगई संग पल ना पहुरावे। संगई संग मा प्यार दिखावे, संगई संग पल ना पहुरावे। संगई संग मख की रखवारी, संगई संग मख की रखवारी, संगई संग ताड़ी का मारी। संगई संग मख की रखवारी, संगई संग तारिका मारी मारी। संगई संग जनकपुरी आए, संगई खेले संगई खाए। अरे संगई जन्मे संगई आए, और संगई खेले संगई खाए। और आज अगर मैं अकेले जाता हूं तो भाई के मन मा मैल पर जाई। क्या कि नारी है तू, अरे प्रिय ब्रात भुलाई। इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई, चले दो भाई। समय जान गुरु आज पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। आज दोनों भैया फूल लेने के लिए चल दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आ गए भैया बगिया में जनकपुरी की। अरे दूर तक देखा कहीं माली दिखाई पड़ जाए तो उससे हम इजाजत ले लें और बगीचे के अंदर चले जाएं, क्योंकि भाई बिना माली के इजाजत के बगीचे के अंदर जाना मर्यादा का उल्लंघन करना है। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकते थे। तब तक दूर से माली आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रभु ने कहा भैया माली महोदय हमको इजाजत दो, आज्ञा दो, हम बगीचे के अंदर जाएं। माली ने कहा सरकार आप हैं कौन। कहा भैया मेरा नाम राम है, मैं महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूं। राम राम है आप? अच्छा वही राम तो नहीं है जिनके बारे में मैंने सुन रखा है महाराज कि जिनके चरणों की धूल लगते ही अहिल्या जो है वो आकाश में उड़ गई। कहा हां भैया मैं वही राम हूं। अरे कहा सरकार तो बस आप बगीचे के अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं ठहरिए, आप जितने पुष्प बताएंगे जितने फूल बताएंगे मैं आपको लाकर दूंगा। कहा भाई क्यों, हम आपके हाथों क्यों लें भाई, गुरुजी की पूजा के लिए फूल हैं और गुरुजी की सेवा हम खुद करेंगे, अपने हाथों से फूल लाएंगे। का सरकार आप अंदर नहीं जा सकते, अगर आप अंदर गए तो सरकार हमारी नौकरी चली जाएगी। भगवान ने कहा भाई माली महोदय आपकी नौकरी से और हमारा फूल चुनने से क्या संबंध है। का सरकार संबंध है,
रखा भैया कैसा संबंध? पग के पर से पथुरा तरीके करके पर से बिरवा उड़ गई है। पग के पर से पथरा तरीके करके पर से बिरवा उड़ गई है। अरे महाराज हमें ये बतलाओ, हे राम हमें ये बतलाओ, हम जाए के काम को दिख लेंगे। सुना है आपके चरणों में जादू है तो पत्थर नारी बनकर उड़ जाता है, तो सरकार आपके हाथों में भी जरूर जादू होगा। जिस पेड़ को आप लगा देंगे हाथ, वो बिरवा का बिरवा ही उखड़ जाएगा महाराज, उड़ जाएगा। और सरकार जब पूरी बगिया के फूल ही उड़ जाएंगे, पेड़ ही उड़ जाएंगे, तो हम माली हैं, हमको महाराज जनक नौकरी से निकाल देंगे, हमारे बच्चों की दाल रोटी चली जाएगी। प्रभु मुस्कुराए, भैया माली महोदय अरे घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ये वादा करते हैं तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमको बगीचे के अंदर जाने दो। माली ने कहा अच्छा प्रभु ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखा सरकार कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। इधर माली की इजाजत लेकर भगवान पुष्प वाटिका में सज्जनों चले जाते हैं, फूल चुनने लगते हैं। इधर तो भगवान राम फूलों को चुनने लगे और उधर देखिए कथा।